नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 10वीं एसएससी बोर्ड लोक भारती इस किताब में से पहली कविता भारत महिमा, जिसके कवि है जय शंकर प्रसाद जी। इस कविता का भावार्थ आज हम बड़े ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आइए चलिए देखते हैं इस कविता में जय शंकर प्रसाद जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। भारत महिमा, इस शीर्षक से ही पता चलता है कि कवि ने भारत की महिमा इस कविता में गाई हुई है। हमारे देश की रचना कैसी है, संस्कृति कैसी है, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, इन सभी बातों का वर्णन इन्होंने इस कविता में बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ आखिर क्या है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि कहते हैं कि मानो जैसे हिमालय का आंगन ही हमारा देश है, मतलब भारत देश को हिमालय का आंगन कहा गया है, जो रोज सुबह किरणों का उपहार हमें देते हैं, इस देश को देते हैं। उषा और तभी, उषा मतलब सुबह, हर रोज की सुबह इस किरणों का उपहार देकर हमारा अभिनंदन, मतलब हमारे देश का अभिनंदन करती है। और तभी जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर पड़ती है तो ऐसे लगता है यही उषा हमारे देश को जैसे हीरो का हार पहना रही हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जगे हम, मतलब सबसे पहले ज्ञान भारत में उदय हुआ ज्ञान का, और फिर हमने लोगों को, जग को जगाना शुरुआत किया, ये ज्ञान बांटने की शुरुआत हमने की है। फिर लोगों में फैला आलोक, मतलब लोगों में प्रकाश फैल गया, जो अज्ञानी थे उनको ज्ञान मिल गया। व्योम तम पुंज, व्योम मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा, पुंज मतलब समूह, मतलब आसमान में जो अंधेरा छाया हुआ था, अंधेरा मतलब यहाँ पे अज्ञान छाया हुआ था, उस अज्ञान को दूर करने का काम भारत ने किया और लोगों को ज्ञानी बनाने का काम हाथ में लिया, जिसके कारण संस्कृति, हमारा जो पूरा संसार है, जो सृष्टि है, उसमें से दुख शोक नष्ट हुआ। अशोक, शोक मतलब दुष्ट दुख, और अशोक मतलब शोक का ना रहना। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यहाँ पर विमल अर्थात पवित्र, वाणी का अर्थ है सरस्वती माता, वीणा एक वाद्य है, इंस्ट्रूमेंट है, कमल कोमल कर, कर का मतलब हाथ, तो कमल जैसे कोमल जिसके हाथ है, सप्रीत मतलब बड़े ही प्यार से, तो यहाँ पे अर्थ होता है कि सरस्वती माता ने अपने कमल जैसे कोमल हाथों में बड़े ही प्यार से वीणा उठाई है, और जिसके कारण सप्त स्वर, मतलब हमारे जो सरगम है, सात स्वर है, वो सप्त सिंधुओं में गूंज उठे हैं, और छिड़ा तब मधुर संगीत, और तभी संगीत का जन्म इस भारत में हुआ है, और इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ कवि कहते हैं कि लोहा, लोहा मतलब शस्त्र है, हमने सिर्फ शस्त्र के सहायता से विजय प्राप्त नहीं की है, बल्कि हमारे मनों में पहले से ही धर्म का प्रभाव रहा है, और हमने धर्म से ही लोगों को जीता है। जैसे हमारे देश के राजा महाराजा थे, विशाल साम्राज्य छोड़कर, जैसे
गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर जी, इन्होंने अपना साम्राज्य छोड़ दिया और वो भिक्षु बनकर रहे। यहाँ पर भिक्षु मतलब ये लोग बौद्ध धर्म के सन्यासी बन गए और लोगों के घर घर जाकर धर्म का प्रसार किया, लोगों के कष्ट दूर करने का प्रयास कर लिया। इसीलिए यहाँ कहा है दया दिखलाते घर घर घूम, मतलब लोग घरों घरों में जो लोग दुखी थे उनका दुख दूर करने का काम इन्होंने किया है। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नों, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी ये मोहम्मद गोरी है जो उत्तर भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक था। ये जब पकड़ा गया, जब इसे हमने पराजित कर दिया था, तब भी इसे दया दिखाकर हमने छोड़ दिया था। और चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चीन को जो धर्म मिला, जो धर्म की दृष्टि मिली, वो भी भारत के द्वारा ही मिली है। अशोक सम्राट जी ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए चीन में भेजा था। इसीलिए कहते हैं चीन में जो धर्म है वो भारत का दिया हुआ है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत को एक रत्न मिला था, एक हीरा मिला था, जिसे कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध, इन्हीं को कहते हैं भूमि का रत्न। शील की सिंहल को भी सृष्टि, देखो यहाँ पे सिंहल मतलब श्रीलंका और शील मतलब, शील का अर्थ होता है स्वभाव, हमारी वृत्ति, हमारा कैरेक्टर। तो श्रीलंका को एक बहुत अच्छी शील, पंचशील दिया गया भारत के द्वारा। वो पंचशील कौन से थे? झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप आदि न करना, ये सभी श्रीलंका को भी भारत के द्वारा ही प्राप्त हुआ था। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना, यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। देखो भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या उनका धन दौलत कभी छीना नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने बहुत भर भर के भारत को दिया हुआ है। इस निसर्ग ने बहुत कुछ इस भारत देश को दिया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि 150 साल अंग्रेजों ने हम पर राज किया और भारत देश से बहुत कुछ छीना झपटी कर कर वो लेके गए, लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं किया है। यह हमारी जन्मभूमि है, इसी भूमि पर हमने जन्म लिया है और हम कहीं से आए नहीं है, क्योंकि हम भारत माँ की संतान है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ कवि कहते हैं कि भारत माता के पुत्र हमेशा चरित्रवान रहे हैं, अच्छी विचार धारणा करने वाले, पवित्र विचारों के रहे हैं। उनकी हाथों में, उनकी भुजाओं में, भुजा मतलब हमारे हाथों में बहुत शक्ति रही है, लेकिन फिर भी हमेशा ही लोगों से नम्रता पूर्वक ही व्यवहार उन्होंने किया है, बहुत आदर किया है। क्यों? उनके हृदय में देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा, प्रेम, मतलब देश के लिए हमेशा से ही आदर, गौरव और प्रेम रहा है। अपने इन गुणों के कारण ही, उनके अंदर ये सब गुण है, इसी के कारण वो कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते, गरीब नहीं देख सकते। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहते तिथे। कवि कहते हैं कि भारत को हमेशा सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास बड़ा ही धन धान्य था, कभी किसी चीज की कमी नहीं थी और इसी के कारण हमेशा हम दान करते रहते थे। अतिथि देवो भव, मतलब आने वाला हर मेहमान हमारे लिए भगवान का स्वरूप हुआ करता था और हुआ करता है। भारत माता के पुत्र वचन को महत्व देते थे। हमारा वचन ये बहुत ही वजनदार रहता था, हमारे वचन को बहुत महत्व रहता था। जो वचन हम देते थे उसे पूरा करने की शक्ति, ताकत और मनसा रखते थे। जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। उनके वचनों में सत्यता थी, हृदय में तेज था और उनकी प्रतिज्ञा बहुत पक्की थी, पूर्ण करने की आस रखती थी, इच्छा रखती थी। वही है रक्त, वही है देश,
वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। यहाँ कवि कहते हैं, आज भी हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कभी भूल नहीं सकते। आज इतने युगों के बाद भी भारत देश के हम निवासी है। आज भी हमारे रगों में वही खून दौड़ता है, वही रक्त है, वही साहस हमारे पास है, वही शांति हम लेकर चलते हैं, वही ज्ञान विद्यमान है। आखिर हम वही दिव्य आर्य की संतान है, क्योंकि हम आर्य की संतान है, इसीलिए आज भी वही साहस, वही विचार धारणा लेकर हम भारतीयता को जीवित रखते हैं। हमारे अंतर मन में, हमारे मन में आज भी देश के लिए उतना ही आदर, प्यार और सम्मान है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। आज भी हम सभी भारतवासी देश के गौरव के लिए जीते हैं, हम जीते हैं तो देश के लिए, ऐसा कवि कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आज भी हमारे देश के लिए वही अभिमान, वही आनंद बरकरार है। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा पूरा सर्वस्व जो भी हमारे पास है, हम भारत वर्ष के लिए, भारत के लिए क्या कर देंगे, निछावर कर देंगे। यह भारत, प्रिय भारत वर्ष, जिसके लिए हम सभी अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि यह भारत वर्ष हम सब के लिए बहुत प्यारा है। इसी प्रकार भारत महिमा, इस कविता का भावार्थ बड़े ही आसान शब्दों में समझाने की मैंने कोशिश की है। आपको ये कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया, ये कमेंट द्वारा जरूर बताएं, यही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।